तो भाई मिस्त्री भाई साहब लोग गए हैं लंच करने के लिए। ठीक है, इधर से भी एक दीवार जो है दिया जा रहा है, और अंदर जो है अभी पेंटिंग का काम चलने वाला है। काम चल रहा है अंदर भी गर्मा गर्म। आज टमाटर सॉस भी डाला हूँ, टेस्ट तो अच्छा लगना चाहिए भाई। क्या लेकर आए हैं बेचने की? कापूर नहीं की कापूर का चलने पर और भाई आज का काम पूरा ख़त्म हो चुका है जो है ना, मात्र 49 रुपये का है। ठीक है, पास्ता ले लिया है और केचप। रिजल्ट था A+। A+ कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कुछ खिलाओ पिलाओ, अकेले अकेले खा रही हो तुम चॉकलेट? पास होके आई हो, कम से कम कुछ तो खिलाना बनता है। लेकर तेरा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिलहाल दोस्तों मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और सुबह से ना ठंडी जो है वो बढ़ चुका है। हालांकि धूप जो है वो निकल चुका है, लेकिन फिर भी ठंडी का एहसास खतरनाक तरीके से हो ही रहा है। चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं ऑफिस, देखता हूँ कितना पार्सल मिलता है और आज दिन भर की कहानी मेरी क्या होती है। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग पर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं भाई, इसको भी पहनना है अभी। ठीक है, चल। ऑफिस आ गया था और अपना बैग जो है वो तैयार कर चुका हूँ, लेकिन भाई ठंडी जो है ना खतरनाक तरीके से लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि धूप निकला है फिर भी ठंडी लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आग जला के ना ताप लूँगा, उसके बाद ही निकलूँगा भाई पार्सल बांटने। आग जल नहीं रहा है, देखता हूँ माचिस मिल जाएगा। तो माचिस पकड़े हैं क्या? नहीं पकड़ा। आग जलाना था, कौन पकड़ा है भाई? सिगरेट पीने वाले माचिस, माचिस है माचिस। धुआं धुआं हो चुका है। तो भाई आग जल चुका है फाइनली, हाथ एकदम जम गया है भाई बर्फ से। ऐसा के चार चलो भाई, मीटिंग भी अटेंड कर लिया हूँ, ठंडी लग रहा था ज़्यादा इसलिए, आग भी बुझ चुका है। चलो निकलता हूँ भाई बात नहीं पार्सल, 8 बज चुका है। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट स्टॉप पे आ गया था, पार्सल जो है ना मात्र 49 रुपये का है। ठीक है, 49 रुपये का पार्सल। कॉल कर लेता हूँ पता। चलो भाई बोहनी हो चुका है 50 रुपये से। ठीक है, चलते हैं अभी आगे, 50 रुपये का बोहनी। भाई रावत कॉलोनी का मात्र 3 पार्सल था, वही प्रीपेड है। यहाँ पे एक बिल्ली देखा था मैं जाते टाइम, भाग गई है। चलो तो भाई यहाँ का पार्सल लेकर आया था। ठीक है, किराए पे रहता है इसलिए मेरे को पता नहीं है कि रूम कौन सा है, और कॉल किए जा रहा हूँ, पिछले 15-20 बार कॉल कर चुका लेकिन कस्टमर जो है कॉल उठा ही नहीं रहे। हालांकि प्रीपेड पार्सल है, अब नहीं रुकूँगा, चलते हैं आगे। ठीक है, रिटर्न जब होते रहूँगा तब एक बार कॉल करके देख लूँगा, कॉल उठा ले तो अच्छा है। एक 15-20 बार कॉल कर रहा हूँ, कभी घंटी तो जा रहा है, उठाना तो चाहिए लेकिन उठा ही नहीं रहा, इसे भी नहीं करते हैं, पता नहीं किस खुशी। 140 का पार्सल है भाई, ऊपर जाके देना पड़ेगा। मैडम पार्सल था। हाँ चलो भाई, कस्टमर जो है ना वो घर पे नहीं है, इसी कारण से लेट हो गया। चलते हैं अब यहाँ के भाई, 15 मिनट लेट हो गया, कस्टमर के पास कॉल किए उसके बाद रिसीव किए। भाई ताला ही बंद, कस्टमर जो है खा रहे हैं, 12 रुपये का नुकसान। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। पार्सल था बोल दीजिए ना, 650 रुपये का। कल लेकर आया था पार्सल, लिए नहीं थे, आज देखता हूँ लेते हैं या नहीं। घर पे तो है मेरे को लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि गाड़ी वाड़ी सब खड़ा है।
बैग का पार्सल पूरा कन्वर्ट कर लिया हूँ झोली में, क्योंकि झोली का पार्सल जो था ना क्लियर कर दिया पार्सल डिलीवर करके। चलो भाई आ रहे हैं लेने के लिए, तो एक्सचेंज होगा शायद, रिटर्न मैं लेने वाला हूँ नहीं, कोई और आता है रिटर्न लेने के लिए। तो भाई पार्सल लेकर गए हैं अंदर पैसा लेने के लिए, ठीक है, जब बाहर आए तो पैसा लेकर आना चाहिए था। गजब, दोबारा चले गए, नहीं आता अभी सर, झूठ मत बोलो, अरे नहीं आता है सर, नहीं आता है, कब आएगा देखो, जैसे अभी अभी भेजा गया 15 तारीख को, कल भेजा है, फिर कब आएगा ये तुम्हारा 17 तारीख को आएगा, 17 तारीख को आएगा ना, तो उसमें से मेरा कितना पैसा आएगा बताऊँ, आपका आएगा, नोट कर रहे हो ना दोस्तों, लास्ट स्टॉप पे आ गया था पार्सल लेकर, वापस चला गया था कुछ काम था इसी कारण से, फिर आ गया। पटाखा कहाँ पे फूटा यार, भैया पार्सल था, ओटीपी चाहिए था, ओटीपी चाहिए, हाँ बता। तो भाई आज का काम पूरा ख़त्म हो चुका है, 505 रुपये का पार्सल था, चलते हैं घर ऑफिस। भाई ऑफिस आ गया था, पैसा वगैरह सब कुछ जमा कर चुका हूँ, चलते हैं घर। घर जाने से पहले कुछ लेते हुए चला जाऊँगा भाई, ओ भैया माता जी आ जाओ। चलो भाई दुकान से कुछ ले लेता हूँ, ठीक है, पास्ता वगैरह। तो भाई नया दुकान खुला है, ऑफिस से घर जाते टाइम पास पड़ता है तो लेते ही चलता हूँ इसी दुकान से हमेशा। चलो भाई पास्ता ले लिया है और केचप, निकलते हैं। मुनिया रानी कहाँ गई हो तुम, पुम पुम यहाँ पे क्या कर रही है, ईटा भी लगा ली मैं, हाँ मैंने हाथ उठा के ईटा भी लगा लिया। स्कूल नहीं गए थे आज, स्कूल रिजल्ट था A+। कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कुछ खिलाओ पिलाओ, अकेले अकेले खा रही है तुम चॉकलेट, पास हो के आई हो कम से कम कुछ तो खिलाना बनता है, कुछ ला मुर्गा का ला। 100 out of 91 10 इंग्लिश में भी प्लस आया है, यस, और बाकी सब में A+। ए प्लस, लो तुम्हारा ताजमहल भी बनके तैयार हो चुका है। मुनु पास हुई से किसाने नहीं है, हम लोग को तो बताया भी नहीं, कभी मिठाई उठाई लेके आना चाहिए था ना। मिस्त्री भाई साहब लोग गए हैं लंच करने के लिए, ठीक है, इधर से भी एक दीवार जो है दिया जा रहा है, और अंदर जो है अभी पेंटिंग का काम चलने वाला है, काम चल रहा है अंदर भी। ये वाला हो गया कंप्लीट, चलो भाई ये वाला तो हो गया रे। तो भाई मैं चाउमीन बता रहा हूँ, पास्ता खरीद के लाया था, फिलहाल वो बनने वाला है, ठीक है, बनाने वाला हूँ स्पेशल, क्योंकि आज जो है टमाटो सॉस जो है वो भी लेकर आया हूँ स्पेशल, मस्त बनाएंगे एकदम चटपटा वाला। तैयारी करते हैं फटाफट से। मुनु घर पे हो क्या, मुनु मुनिया घर पे है, मुनिया खाओगे खाओगे, इस तरह से लेट कर कौन देखते हैं टीवी। चलो अभी बनाने वाला हूँ पास्ता। हाँ ये रहा पास्ता का तैयारी चल रहा है जोरों शोरों से, ठीक है, खाओगे, जोरों शोरों से चल रहा है तैयारी, शादी होने वाला है मुनु का। ये रहा भाई पास्ता, उबाल के रख दिए हैं पहले से,
नरम है नहीं छूटे तक नरम है कच्चा ही खा जाओ पेट दुखेगा फिर पकते रहेगा मस्त पूरा नहीं बनाया है ना आधा पूरा बनाते नहीं खा सकते कोई बहुत ज़्यादा होता है काफ़ी है अब पकाते हैं इसको अच्छे तरीके से तो अभी इसमें डाल देते हैं सॉस जो खरीद के लाया था टोमेटो सॉस कितना 15 पता नहीं कितना लिया है डालो 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 आधा देखो तो भाई अपना जो है ना पास्ता बनके तैयार हो चुका है लेकिन खिचड़ी जैसा लग रहा है हाँ चलो भाई ट्राई करते हैं ये वाला चम्मच मैं ले रहा हूँ ये रहा पास्ता आखिरी पास्ता देखता हूँ भाई कैसा बना है टेस्ट गर्मा गर्म आज टमाटर सॉस भी डाला हूँ टेस्ट तो अच्छा लगना चाहिए भाई अच्छा बना है क्या लेकर आए हैं बेचने की कापूड़ नहीं की कापूर काजर ने बस येर तो ना देखते सी देखे तो दी और एक इन्हें वो बैको बेकार और देखे लोग को दिल की लोग ना ये तो बाहर हो सके इतनी बार धुलेगा इतनी बार सही नहीं मारेंगे कपड़े 21 कितना का पड़ेगा ये एक पीस कितने रुपए का पीस आपको पड़ेगा तो लेंगे कथा रंगे डबा दस से वो जान दस वो जरा नहीं आप दे दो सुनो ना आ जाओ बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ फटाक से आओ ना फटाक से आओ आ जाओ साड़ी ले रहे आओ जल्दी साथ में कोई नहीं लेगा केवल दुकानदार लोग लेगा मैं दो दो ठो ले रहा हूँ 400 रुपया दे रहा हूँ देख लो साड़ी देखो साड़ी पसंद आ गया तो ले लो कितने बार धोएंगे कपड़े को इतनी चमक आएगी इसका मतलब ऐसा कपड़ा 10 साल तक की गारंटी है गारंटी तो 3 साल की है जी लो 2-400 रुपये दो 400 ये दो साड़ी जो है ना लिए हैं ठीक है मेरे को ये वाला पसंद था ऑलरेडी पहले से ही देख की बात है और ये वाला और टीवी पे चल रहा है कंचना